वकील जेशन एक पास आगे बढ़ो वीर साहब के रिवाज खास कर नौजवान पानी जीत जी तुम समझान मगर नई नौजवान ये चुनाव मे जुड़व इमोशनल तम ग वक्त ब्रोट मैसेज गुहद जरिए कि अब कौर तक पगह इत पे रूट रोज यह टाइमिंग रोज यह अथा यमिस युत युन सो करो शौक पे साथ के हवाले से कोई पेशरफ हुई है दोनों पार्टियों की? अभी कोई मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा कि ये चुनाव हमने कोई ताजपोशी के लिए नहीं लड़ा, ये चुनाव कोई मंत्रालय हासिल करने के लिए नहीं, इस पर कोई झगड़ा नहीं, बल्कि ये चुनाव हमने रियासत के खोई हुई चीजों को वापस लाने के लिए। तो इसलिए कल तक आप वेट कीजिए, पहले जब मैंडेट आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है और कोलिशन बैठेगा वहां पर तय होगा कौन फिलहाल इस यूटी स्टेटस में इस असेंबली में सरकारी पोर्शन को हेड करेगा, वो कोलिशन के रिजल्ट आने के बाद होगा। समर्थक के लिए कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं तो कांग्रेस का इस हवाले से क्या कहना है? देखो हमने चुनाव से पहले भी कहा था कि जो भी भाजपा के नाकस पॉलिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है आओ सब मिल करके लड़ेंगे। अब उसमें क्या लकुना रहा वो जमात खुद बोलेगी। और अभी हमारे मसले हल नहीं हुए, चुनाव ही हुआ खाली। असल में ये असेंबली बनने के बाद असली हमारे इश्यूज अब शुरू होंगे। तो जब वो इश्यूज हमारी स्टेट इन्होंने छीन के ली, बाइफरकेट की, डाउनग्रेड की, जमीनों के हक छीन लिए, नौकरियों के हक छीन लिए, स्टेट सब्जेक्ट हमारी छीन ली, ये हमारे मुद्दे थे चुनाव में। तो इन मुद्दों को हासिल करने के लिए मैं मानता हूं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को अपनी बहुमत भी मिलेगी तो भी हमें फ्लोर में ऐसे लोगों को अपील करना पड़ेगा जो भी नीचे से अपने आप को सेकुलर समझ के आए हैं। हम उनको उस वक्त भी अपील करेंगे, आइए मिलजुल कर आने वाले इश्यूज को लेकर हम मिलजुल कर लड़े ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो चीजें वापस हासिल हो जो हमसे छीनी गई। तो वो तो एक बड़ा मसला है, तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि हम 50-55 सीटें ले जाएंगे बस हम ही सब कुछ करेंगे। इसमें और पार्टीज को भी जो आना चाहेंगे, हाँ जिनकी अपनी कमजोरियां होंगी एक सीट लेकर चार सीट लेकर वो भाजपा के गीत गाएंगे वो उनका काम है, हम तो मौका देंगे उन लोगों को जो उस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, जो हमारी खोई हुई चीज है उसको वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी आना चाहेगा हमारा दिल वसी होगा, हम उनको साथ लेकर चले। देखिए जम्मू कश्मीर में भी हमारा अनुमान है कि 50 प्लस सीटें हमारा गठबंधन अपने आप ले आएगा। और अब टीवी चैनलों का काम है कौन कहां से कंट्रोल है, यहां तो लोकसभा चुनाव में एक टीवी चैनल ने तो रूलिंग पार्टी को 400 क्रॉस करवा दिया था फिगर, मगर बाद में जब एग्जैक्ट पोल आया तो उसमें 240 पर आकर खड़ा हुआ। तो इसलिए उनका काम है अपनी असेसमेंट देना, और हमारा काम है हमारे तरीके से काम कर, हमारी जो अपनी असेसमेंट है वो 50 प्लस सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस लेकर आएगा। उसके बाद की बात है कि जो बाकी सेक्युलर जमातें हैं जो भाजपा के सामने लड़ना चाहेंगे वो बाद की बात है।